हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल विद संगीता जा। आज हम ना समोसा बना रहे हैं, ना पकौड़ी, ना कचौड़ी। आज ब्रेड से बिल्कुल नया नाश्ता, बिल्कुल यूनिक तरह का। आइए बनाते हैं। इसके लिए मैंने 4 से 5 उबले हुए आलू लिए हैं। इनको अच्छे से मैश कर लेंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पर आलू को अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। इनको भी मिक्स करेंगे। ये देखिए, प्याज को मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग 2 या 3 डाल सकते हैं। अब इनको मिक्स करेंगे और कुछ मसाले डालेंगे। मसाले में मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और नमक जो है वो स्वाद के अनुसार मैंने डाला है, 1/2 चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर और 1/2 चम्मच गरम मसाला और थोड़ी सी अमचूर डाली है। इन सबको डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर 5 से 6 लहसुन की कलियाँ और 2 हरी मिर्च को मैंने ऑयल में अच्छे से सौते कर लिया है। अब हम इसको हमाम दस्ते में डालेंगे। अदरक, मिर्च और लहसुन, इन तीनों को अच्छे से कूट लेंगे। ऑयल में फ्राई करने के बाद लहसुन और हरी मिर्च का टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक बार आप ज़रूर इस ट्रिक को आजमा के देखिए। अब आलू में इन सबको डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च जो है वो अच्छे से पूरा मिक्स हो जाए मिक्सचर में। और बारीक कटी हुई धनिया डालेंगे। धनिया को भी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, मैंने आलू को अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लिया है। अब हम ब्रेड के स्लाइस लेंगे। यहाँ पे मैं 8 से 10 ब्रेड के स्लाइस को लिया है और एक छोटे से गोल ढक्कन लिया है। आप चाहे तो कुकी कटर भी ले सकते हैं या आप छोटे साइज़ का भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ थोड़ी बड़ी साइज़ की बनानी है इसलिए बड़े साइज़ का लिया है ताकि ब्रेड को पूरा यूज कर सकूँ। ये देखिए, मैंने सारे सर्कल बना लिए। अब हम एक बैटर बनाएंगे जो मैदा का होगा। 1/4 कप मैंने मैदा लिया है और थोड़ी सी काली मिर्च और नमक डालकर इसको अच्छे से घोल लेंगे। और ये बैटर थिक नहीं होना चाहिए, थोड़ा पतला होना चाहिए। काली मिर्च डालने से इसका स्वाद जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये देखिए, बैटर जो है वो बन गया है। इसमें मुझे लगता है थोड़ा सा और पानी डालना पड़ेगा, तो थोड़ा सा और पानी डाल दीजिए और अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। ये देखिए, हमारा बैटर बनकर तैयार है। अब हम ब्रेड के जो गोल शेप में मैंने काटा था वो लेंगे और उसके ऊपर अच्छे से आलू की जो मिक्सचर को है अच्छे से फैला लेंगे और दूसरे पीस जो है वो ब्रेड के लेंगे और इनको अच्छे से चिपका देंगे। इसमें मैंने पानी नहीं लगाया है, ऐसे ही हाथ से चारों ओर से इसको अच्छे से पूरा सर्कल को अच्छे से मैंने ब्रेड के दबा दिया। अब हम इसको मैदा के घोल में डालेंगे और उसके बाद ब्रेड क्रम्स में से अच्छे से कोट कर लेंगे। फिर से वापस इसको मैदे के घोल में डाल के और ब्रेड क्रम्स में डाल के अच्छे से चारों साइड से कोट कर लेंगे। अब ये खुलेगा नहीं। मैं यहाँ ऑयल गरम कर ली हूँ और ऑयल गरम ऑयल में इसको डाल देंगे। आप इसको मीडियम हीट पे रखिए और अच्छे से दोनों साइड गोल्डन ब्राउन होने तक इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। ये देखिए, हमारा ब्रेड का शेप थोड़ा ज़्यादा बड़ा था इसलिए पैन में एक साथ में 2 ही आया है और इसको पलटने में थोड़ा दिक्कत होता है ऑयल बड़े साइज होने की वजह से। इसलिए आप अच्छे से केयरफुल होके करिए। अगर आपका ब्रेड का साइज़ छोटा रहेगा तो ये उतना दिक्कत नहीं करेगा। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप छोटे साइज़ का बनाएं। ये देखिए, दोनों साइड से बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो करना है हमें। ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है, कितना यमी लग रहा है ना। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप एक सब्सक्राइब करेंगे हमारा हौसला 2 गुना बढ़ जाता है। ये देखिए, मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको काटकर आलू की फीलिंग्स को। आप भी बनाएंगी तो बिल्कुल ऐसा ही बनेगा। आप भी बनाइए और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको एंजॉय कीजिए। थैंक यू। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल विद संगीता जहाँ आज हम बना रहे हैं मसाला पूरी। आप एक बार बनाएंगे ना दोस्तों तो आपके घर में रोज़ रोज़ डिमांड होगी। एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए, मैंने इसमें 1.5 कप आटा लिया है, कोई भी आटा आप ले सकते हैं। और 1/4 कप मैंने रवा लिया है, मोटा या पतला कोई भी रवा चलेगा। 1 बॉयल आलू लिया है, ये 4 लोगों के लिए सफिशियंट है। इस आलू को अच्छे से ग्रेट करेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। थोड़ी सी हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे। इनको डालने के बाद कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और थोड़ा सा जीरा पाउडर डाला है मैंने, जीरा पाउडर डाला है, चिली फ्लेक्स डाला है
और थोड़ी सी अजवाइन और मंगरेल डाला है, और इसके स्वाद को लाजवाब बनाने के लिए थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है। आप इस तरह से बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी बनती है। और टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक डाल लीजिए। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद एक चम्मच जो है वो ऑयल या घी, जो भी आप पसंद करते हो वो डाल देंगे, जिससे ये पूड़ियाँ जो है बहुत ही खास्ता बनेगी। इसके लिए ऑयल डालना ज़रूरी है दोस्तों, इसको स्किप मत कीजिएगा, ज़रूर ऑयल डालिएगा। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतनी पानी डालेंगे और धीरे धीरे इसको गूंदेंगे। ये मसाला पूरी जो है एक्चुअली बहुत ही टेस्टी लगता है, और इसके साथ कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना सब्जी की, किसी भी चीज़ की नहीं। आप इसको चटनी अचार के साथ खा सकते हैं, अगर ट्रैवल कर रहे हैं 2-3 दिन के लिए आप इसको बना के ले जा सकते हैं, और ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। टिफ़िन में भी आप डाल सकते हैं, ठंडा होने पे भी ये उतना ही स्वादिष्ट लगता है। इसलिए एक बार दोस्तों ज़रूर बना के देखें, आपको बहुत अच्छा और टेस्टी लगेगा। ये देखिए, मैंने आटा जो है वो सॉफ्ट डो इसका बना लिया है। अब इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। ये 10 मिनट के लिए रेस्ट हो जाएगा तो आटे में जितने भी मसाला हमने डाले हैं वो बिल्कुल परफेक्ट इसका टेस्ट आ जाएगा। ये देखिए, हमारा आटा जो है वो 10 मिनट रेस्ट करने के बाद बिल्कुल कलरफुल कलर हो गया है, येलो और मसालेदार, एकदम देख के ही मसाला लग रहा है। अब सोचिए खाने के बाद ये कितना अच्छा लगेगा। ये देखिए, पूरी जो है वो मैंने आटा लगा के भी बेला है और बिना आटा लगाए ऑयल लगा के भी बेल, आप जैसे भी चाहे वैसे बेल सकते हैं। ऑयल में लगा के बेलने से क्या होता है, जो हम पूरी तलते हैं तो तेल जो है वो ख़राब नहीं होता है, आप इसमें फिर इसको यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आटा लगा के तलो तो वो बहुत सारे नीचे आटा जम जाता है, तो फिर जो तेल है वो काला हो जाता है। इसलिए आप कोशिश ये करें कि तेल लगा के ही बेलें। और इस देखिए, तेल में डालते ही कैसे ये फूल के एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक को तल लेना है, कितना क्रिस्प बना है देख के ही लग रहा है ना दोस्तों। तो एक बार ट्राई तो ज़रूर करिएगा और सारे स्टेप को फॉलो कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल विद संगीता जहाँ आज हम बना रहे हैं कीटो बर्गर। कीटो बर्गर में हमें बर्गर बन का यूज़ नहीं करना है, हमें वेजिटेबल से बनाना है, कैबेज से। ये देखिए, इसके लिए मैंने 4 आलू बॉयल किए लिए हैं, कुछ हरी मिर्च लिए हैं, बारीक कटे हुए प्याज लिए हैं, और बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी मैंने डाला था, और नमक स्वाद के अनुसार, लाल मिर्च पाउडर, जीरा और धनिया का पाउडर, और काली मिर्च, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, और थोड़ा सा चाट मसाला। अब इन सब को डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। और बाइंडिंग हमने अभी तक कुछ डाला नहीं है, इसलिए बाइंडिंग के लिए थोड़े से ब्रेड क्रम्स को डालेंगे। ब्रेड क्रम्स घर में आप आसानी से बना सकते हैं। ब्रेड के जो साइड्स बचते हैं उसको आप मिक्सर जार में चला लीजिए और बारीक पीस लीजिए बिना पानी डाले हुए, तो हमारा ब्रेड क्रम्स बनकर तैयार हो जाता है। आलू में इसको अच्छे से मिक्स कर लिए, हमारा बाइंडिंग का काम करेगा। दोनों हथेलियों पर अच्छे से ऑयल लगाएंगे और उसके बाद ये जो टिक्की का शेप देंगे और इससे हम टिक्की बनाएंगे। ये जो मिक्सचर था आलू का, उससे हमें टिक्की बनाना है। ये देखिए, हमारा टिक्की जो आलू का है वो बनकर तैयार है। मैंने दोनों हथेलियों को यूज़ करके ऐसे सर्कल में बनाया है। आप चाहे तो कुकी कटर का यूज़ करके भी बना सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो वो शेप में आप बना सकते हैं। ऐसे ही मैंने दूसरा भी आलू टिक्की ऐसे सर्कल के शेप में बनाया है। ऐसे ही मैंने सारे टिक्की बना लिए हैं। अब हम पनीर लेंगे। पनीर जो कि मैंने रेक्टेंगल शेप में काटा है, थोड़ा सा नमक, मैं 2 बर्गर बना रही हूँ इसलिए 2 पीस का मैंने पनीर लिया है। आप अगर ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप पनीर उसी हिसाब से ले सकते हैं। ऐसे आपको शेप में काटना है। इसमें नमक, चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो डाल के मैरिनेट करना है। यहाँ मैंने फ्राइंग पैन लिया, इसमें थोड़े से ऑयल डाले हैं और हम आलू टिक्की को इसमें डाल देंगे, और हमें आलू टिक्की को दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। ये बर्गर जो है इसमें बन का यूज़ नहीं होता है, इसमें हम कैबेज के पत्ते का यूज़ करेंगे, इसलिए टिक्की जो है वो मेन पार्ट होता है। तो मेन पार्ट हमारा ये टिक्की है, इसको अच्छे से दोनों साइड गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। ये देखिए, हमारा टिक्की जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। आप भी यकीन मानिए, ऐसा बनाइएगा तो बिल्कुल सिंपल और कम ऑयल में बना हुआ ये ऑयल में बना हुआ आलू टिक्की बहुत ही लाजवाब है।
एक बार आप ज़रूर ट्राई करिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए। ये देखिए मैंने पनीर को भी उसी फ्राइंग पैन में डाल दिया है और इसको भी दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। अगर आप ज़्यादा ऑयल में डालेंगे तो पनीर टूटने का चांस रहता है, इसलिए कम ऑयल में इसको दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना है हमें। ये देखिए हमारा पनीर जो है वो दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए हमने पनीर को निकाल लिया, अब उसी फ्राइंग पैन में हम शिमला मिर्च काट कर डाल देंगे और दोनों साइड से इसको भी हल्का सा सौते कर लेंगे। ये देखिए हम शिमला मिर्च को मैंने सौते कर लिया है, अब हम कैबेज के लीफ को लेंगे, उसको अच्छे से वॉश कर लेंगे और हल्का सा गर्म पानी में इसको डुबो के निकाल लेंगे, तो वो सॉफ्ट भी नहीं होगा, बिल्कुल क्रंच रहेगा। आप भी एक बार ज़रूर ऐसे बनाइए। ये हमारा बेस है जो बर्गर बन रहा है, इसमें बर्गर बन का यूज़ नहीं होता है, ये कैबेज के पत्ते में ही हम पूरे बर्गर को असेंबल करते हैं। इसके लिए मैंने सॉस लगाया है, उसके बाद आलू टिक्की डाली है, फिर ओनियन डाला है, फिर टोमेटो डाला है और शिमला मिर्च डाला है। अब हम इसमें थोड़ी सी चाट मसाला, थोड़ा सा ब्लैक पेपर और थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे। ये जो बर्गर है वो इसी पत्ते में ही इसको सजाना है। अब देखिए पनीर भी मैंने इसमें डाल दिया है, थोड़ी सी सॉस डालेंगे। सॉस मैंने टोमेटो केचप और मेयोनीज़ को मिक्स करके बनाया है, आप भी इस तरह से बना सकते हैं सॉस को। ये देखिए सॉस डालने के बाद फिर से ओनियन और टोमेटो और पेपर और चाट मसाला डालेंगे और थोड़ी सी चीज़ को मैंने ग्रेट करके डाल दिया है ताकि बच्चों को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और अच्छा लगे। ये देखिए इसको अब अच्छे से ऐसे पकड़ के हमें मोड़ देना है, ये फोल्ड कर लेंगे अच्छे से। ये हमारा कीटो बर्गर जो है वो बनकर तैयार है, बिल्कुल हेल्दी वर्जन है ये। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स को खिलाइए, वो भी खुश हो जाएंगे। ये देखिए अब इसको हल्का सा दोनों साइड से हमें फ्राइंग पैन में हल्का सा सौते करना है, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, नहीं तो ये जो कैबेज का लीफ है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। इसका क्रंच जो होगा वही इसकी कीटो बर्गर का मेन पार्ट है, इसलिए इसको दोनों साइड से जो है आप हल्का हल्का सेक लीजिए। ये देखिए हमारा कीटो बर्गर बनकर तैयार है, एक बार आप भी ज़रूर बनाइए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स को खिलाइए और आप वाहवाही लूटेंगे। एक बार आप ज़रूर ट्राई करके देखिए। ये देखिए मैंने एक बर्गर बना लिया है, अब हम ऐसे ही दूसरा बर्गर भी बना लेंगे और हमारा कीटो बर्गर बनकर तैयार। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक से सब्सक्राइब।
देख रहे हैं लाइफस्टाइल की संगीता। आज हम बना रहे हैं चॉकलेट। एक बर्तन में पानी गर्म कर रही हूँ। जब ये पानी गर्म हो जाएगा फिर एक बाउल लूँगी और उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। इसके लिए हमें हीट प्रूफ बाउल लेना है जो कि गर्म पानी को सह सके। आप स्टील का भी ले सकते हैं, कांच का भी ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। स्टील का बर्तन थोड़ा गर्म हो जाता है तो उसको पकड़ना मुश्किल होता है, इसलिए मैंने कांच का यहाँ पे लिया है। देखिए पानी गर्म हो गया है। अब हम इस पर एक ग्लास का बाउल रखेंगे, ये हीट प्रूफ है। 4 चम्मच घी लेंगे, ये देसी घी है। यहाँ पे मैं कोकोनट ऑयल नहीं ले रही हूँ, मैं देसी घी में बना रही हूँ। ना ही तो मैंने बटर लिया है, ये विदाउट बटर और कोकोनट ऑयल का है। आप भी एक बार ट्राई करें। ये देखिए घी मेल्ट हो रहा है। जब घी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तब हम शक्कर डालेंगे, पीसा हुआ शक्कर। इसको छान के लें ताकि कोई लम्स ना रहे चॉकलेट में। ये देखिए घी मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें शक्कर डालेंगे। जिस चम्मच से मैंने घी लिया था उसी से शक्कर लेंगे। इसमें 2 चम्मच शक्कर डालेंगे और इसको धीरे धीरे मिक्स करेंगे। चॉकलेट बनाते वक्त बस ये ध्यान रखना है कि ओवर कुक ना हो। देखिए शक्कर अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें कोको पाउडर डालेंगे। कोको पाउडर डालेंगे, कोई भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, ग्रोसरी के दुकान में आपको आसानी से मिल जाएगा। इसमें 4 चम्मच, मैंने घी लिया था इसलिए 4 चम्मच कोको पाउडर लेंगे। मिक्स करेंगे। बाजार की जैसे स्वाद के लिए 1 चम्मच मिल्क पाउडर डालेंगे। ये देखिए हमारा चॉकलेट बन के तैयार है। इसको ज़्यादा कुक नहीं करना है। ये देखिए कितना ग्लॉसी बना है, ऐसा रहना चाहिए, इसी कंसिस्टेंसी। ये देखिए कितना शाइन कर रहा है और चॉकलेट का नाम लेते ही सबके मुंह में पानी आ जाता है। अब हम इसको मोल्ड में डालेंगे। अब हम इसमें धीरे धीरे करके सारे जो मोल्ड बने हुए हैं उसमें भर देंगे। ये देखिए मेरा मोल्ड भर गया है। अब हम इसको ऐसे ऐसे टैप करके फ्रिज में। अब हम बना रहे हैं बिना मोल्ड के। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तब भी आप चॉकलेट बना सकते हैं। सबसे पहले जैसे ये चॉकलेट जो हमने बनाया था उसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स थोड़ा ऐसे मोटे मोटे कूट के डाल देंगे और इसको चॉकलेट में अच्छे से मिक्स कर दीजिए, इससे ये गाढ़ा हो जाएगा। देखिए मैंने एल्युमिनियम फॉइल लिया है। अब हम इस पर चॉकलेट को डालेंगे। ऐसे आप इस पर डाल के भी बना सकते हैं। ये देखिए कैसे एल्युमिनियम फॉइल पे मैंने बनाया जो बिना मोल्ड का है। ये एक देसी जुगाड़ है, आप चाहे तो ऐसे भी बना के अपने बच्चों को खुश कर सकते हैं। और इसको हम फ्रिज में रख देंगे। पहले एल्युमिनियम फॉइल को एक प्लेट पे रख लीजिएगा, जो मैंने नहीं किया इसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा फैल गया है। अगर आप पहले ही प्लेट पे एल्युमिनियम फॉइल बिछा के और फिर ऐसे करेंगे तो ये थोड़ा कम फैलेगा। ये देखिए हम अपने चॉकलेट को डीमोल्ड करेंगे सिलिकॉन से। ये देखिए आराम से ऐसे निकल जाता है। अभी हम बना रहे हैं व्हाइट चॉकलेट। इसके लिए 4 चम्मच घी लेंगे। घी को मेल्ट करेंगे। ये देखिए घी मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच शक्कर। हम उसी चम्मच से 4 चम्मच मिल्क पाउडर लेंगे। करेंगे
ये देखिए हमारा चॉकलेट बनकर तैयार है। अब हम इसको मोल्ड में डालेंगे, चॉकलेट सारे मोल्ड में हम डाल देंगे। इसको ऐसे ऐसे टैप करेंगे और फ्रिज में 10 मिनट। अब हम चॉकलेट को डीमोल्ड करेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है हमारा वीडियो तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए ताकि हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो को बना सके। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइफ स्टाइल विद संगीता। आज हम बना रहे हैं लिट्टी चोखा। आज चोखा के लिए मैंने ये तवा लिया है। तवा पे थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और ऐसे बैगन को पकने के लिए तवा के ऊपर डाल देंगे। देखिए मैंने बैगन को पलट दिया है, अब दोनों साइड से इसको रोस्ट करेंगे। ये देखिए हमारा बैगन, आलू और टमाटर रोस्ट हो गया है, सबको मैश करेंगे। ये देखिए टमाटर और आलू सबके छिलके निकाल लेंगे। आलू टमाटर सबको मैश कर लिया है। अब हम इसमें धनिया और हरी मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ लहसुन, अदरक, नमक स्वाद के अनुसार और थोड़ा सा सरसों का तेल। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए हमारा बैगन का भरता बनकर तैयार है। अब हम लिट्टी के लिए फिलिंग बनाएंगे। इसमें थोड़ा सा नींबू भी डाल देंगे, इससे बैगन का ये भरता जो है वो बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। अब हम सत्तू की फिलिंग की तैयारी करेंगे। इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे, अदरक, नमक स्वाद के अनुसार, इसमें नींबू डालेंगे, थोड़ा सा अजवाइन डालेंगे, थोड़ी सी कलौंजी, इन सबको मिक्स करेंगे। इसमें अचार का तेल डालेंगे और मसाला। ये देखिए अचार का मसाला और तेल डाल के मिक्स करेंगे। मैंने नींबू डाला था इसलिए अचार का मसाला बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, थोड़ा ही सा डाला है। इसमें थोड़ा सा धनिया डालेंगे। ये देखिए फिलिंग बनकर तैयार है। ये बहुत ज़्यादा ड्राई है इसलिए इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको गीला करेंगे, हल्का सा पानी का छींटा मारेंगे और सबको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसे ना निकले। ऐसा फिलिंग बनाना है। अब हम लिट्टी में इसको भरेंगे। ये देखिए अब हम लिट्टी बना रहे हैं। आटा जैसे सिंपल गूंदते हैं वैसे ही मैंने गूंद लिया। थोड़ा सा घी और अजवाइन मंगरेल डाल दिया है। अब हम इसमें फिलिंग डालेंगे। ऐसे फिलिंग डालेंगे, बहुत ज़्यादा डालने से वो निकल जाएगा इसलिए ऐसे डाल के ऐसे दबा देंगे और ऐसे करके इसको अच्छे से बंद कर देंगे। ये देखिए लिट्टी ऐसे ही सारे बना लेंगे। एक और मैं बना के आपको दिखा देती हूँ। हम सारे लिट्टी को बना लेंगे। ये देखिए मैंने सारे लिट्टी को बना लिए हैं। अब हम इसको सेकेंगे। अपने पैन लिया है
इसमें मैंने घी लगा दिया है। अब हम इसमें लिट्टी सेकेंगे। ये देखिए मैंने घी लगा के इसको सेक रही हूँ, ऐसे ढक के आराम से ये सेक जाएगा। ये देखिए हमारा लिट्टी बनके तैयार है। ये कैसे फटफट गया है, ये इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और खास्ता बना है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और आप भी इसे ट्रिक के साथ एकदम यम्मी लिट्टी बनाइए जो आपके घर में सबको पसंद आएगा। ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है हमारा लिट्टी, आप भी बनाएंगे तो ऐसा ही बनेगा। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल विद संगीता झा। आज हम बना रहे हैं बथुआ का पराठा और टमाटर की चटनी। ये देखिए हमारा पराठा कितना सॉफ्ट बना है। आइए आगे वीडियो में देखते हैं कि किसे कैसे बनाते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन लिया है, पैन में एक चम्मच ऑयल डालेंगे और जब ऑयल गर्म हो जाएगा फिर हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन और हरी मिर्च। इन दोनों को अच्छे से भूनेंगे ताकि लहसुन का जो कच्चापन है वो ना रहे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे बथुआ जो अच्छे से धो के छान के बारीक कटा हुआ है, इसको डाल के हम भूनेंगे। बथुआ को इसलिए भून रहे हैं ताकि इससे पानी जो भी इसका जो पानी हो वो आटे में बहुत गीला और बेलने में बहुत तकलीफ ना हो, इसकी वजह से इसको भून रहे हैं। भूनने के बाद जो है वो इसका पानी सूख जाएगा और हमें आटा गूंदने में और बेलने में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी और बथुआ के पराठे का टेस्ट जो है ना वो दोगुना हो जाएगा। एक बार आप ज़रूर भून के बना के देखिए, आपके बथुआ के पराठे का जो टेस्ट होगा ना वो एकदम लाजवाब होगा। ये देखिए मैंने यहाँ 5 से 7 मिनट तक इसको भुना है और ये अच्छे से भुन गया। अब इसमें नमक डालेंगे, नमक डालने के बाद जो भी पानी बचा होगा वो भी अच्छे से भुन जाएगा। भुनने के बाद ये देखिए हमारा जो बथुआ है वो अच्छे से भुन गया है। अब हम आधे पार्ट को मिक्सर जार में लेंगे और आधे पार्ट को छोड़ देंगे। मिक्सर जार में लेके अच्छे से पीस लेंगे। यहाँ मैंने 2 कप आटा लिया है। आटा लेने के बाद इसमें हम भुना हुआ जो बथुआ मैंने आधा पार्ट छोड़ दिया था वो डाल देंगे और उसके बाद बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती और बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। इससे टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी डाल देंगे और स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद हमने जो पीसा था बथुआ को मिक्सर ग्राइंडर में वो भी डाल देंगे। देखिए कितना ड्राई है ना, ये आटे को बिल्कुल भी गीला नहीं करेगा और उसके स्वाद को बढ़ा देगा। दोस्तों आप भी एक बार ऐसा ज़रूर करके देखें। इसमें एक चम्मच ऑयल डाल देंगे और ऑयल डालने के बाद इनको सबको अच्छे से मिक्स करके एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे हौसले को बढ़ा देता है। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा अजवाइन भी डाला है। इसमें पानी डालने के बाद अच्छा सा सॉफ्ट डो लगा लेंगे। ये देखिए हमारा जो आटा है वो अच्छे से गूंद गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारा आटा जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए दोस्तों हमने आटा को अच्छे से ढक दिया है। अब हम ये हमारा आटा जो है वो 10 मिनट अच्छे से ढक के रखा था और कितना सॉफ्ट हो गया है और उसका कलर भी कितना प्यारा आया है। ये देखिए हम इसको बेल लेंगे और बेलने में भी बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं, अच्छे से ऑयल लगा के आटा छिड़क देंगे और इसको मैंने ट्रायंगल शेप में बेला है। आप चाहे तो इसको गोल या स्क्वायर शेप में भी बेल सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप चाहे जैसे भी बेल लें, बट पराठा जो बनेगा वो बिल्कुल स्वादिष्ट और लाजवाब बनेगा। एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए अच्छे से बेल लेने के बाद अब हम इसको गर्म तवे पर डाल देंगे और दोनों साइड से ऑयल लगा के इसको अच्छे से सेक लेंगे। ये देखिए हमारा पराठा जो है वो बहुत अच्छे से सेक गया है और इसको दोनों साइड से जब हम ऑयल लगा देंगे और इसको हल्का सा कुरकुरा होने तक सेक लेंगे। पराठा अगर कुरकुरा हो तो सुखाने का स्वाद ही बढ़ जाता है।
गर्मा गर्म कुरकुरा पराठा और चटनी। वाह क्या बात है, ये देखिए कितना अच्छा से पराठा हमारा सिक गया है और ये बिल्कुल तैयार है। अब हम बनाएंगे टमाटर की स्वादिष्ट चटनी। इसके लिए मैंने 2 टमाटर लिए हैं, 3 हरी मिर्च लिए हैं और 5 से 7 लहसुन की कलियां ली हैं। इन सबको अच्छे से गैस पे सेक लेंगे। सेकने के बाद हम इसका छिलका जो है टमाटर की वो निकाल लेंगे, नहीं तो इसका जो चटनी है वो बिल्कुल ब्लैक कलर का हो जाएगा। इसलिए दोस्तों टमाटर के छिलके अच्छे से आप धीरे धीरे करके निकाल लें और लहसुन के भी छिलके आराम से निकल जाएंगे। अब हम ये टमाटर को और हरी मिर्च और लहसुन को अच्छे से चॉप कर लेंगे। आप चाहे तो चॉपर में भी डाल के इसको चॉप कर सकते हैं। यहाँ मैं इसको अच्छे से बारीक चाकू से काट रही हूँ, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये देखिए मैंने टमाटर को, हरी मिर्च को और लहसुन को अच्छे से काट लिया है। अब हम मैसर लेंगे और मैसर से अच्छे से मैश कर देंगे ताकि टमाटर, लहसुन और हरी मिर्च तीनों अच्छे से मैश हो जाए और उसका स्वाद जो है वो इस चटनी में आ जाए अच्छे से। अब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद थोड़ा सा इसमें बारीक कटा हुआ धनिया और बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहे तो थोड़ी सी हरी मिर्च भी डाल सकते हैं और चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। इसके बाद थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे और सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ये लाजवाब चटनी बनकर तैयार है। है ना बथुए की पराठे के साथ ये चटनी लाजवाब। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल विद संगीता। आज हम बना रहे हैं मैजिकल हेयर ओनियन हेयर ऑयल। इसके लिए मैंने ओनियन लिया है। ओनियन जो है वो बालों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इसमें सल्फर होता है जो बालों के ग्रोथ में बहुत ज़्यादा मदद करता है, जिसकी वजह से आँख में आंसू भी निकलता है, वो सल्फर की वजह से ही होता है। ये जो ओनियन है उसको बड़े बड़े पीस में काट लेंगे और इसको मिक्सी में डाल देंगे। ये जो हमारे बालों को टूटने, दो मुँहे होने, पतले बाल, इन सारी समस्याओं को जो है वो हल करता है। इसलिए ओनियन ऑयल जो है वो इतने ज़्यादा हमें बहुत ज़्यादा ट्रेंड में दिखता है। इसके लिए मैंने 2-4 लहसुन की कलियाँ ली हैं जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, जिससे बाल में जितने भी फंगल इन्फेक्शन होते हैं उसको वो ख़त्म करता है। मेथी मैंने लिया है, मेथी जो बाल को स्मूथ करता है और साइन देता है। ये मैंने कलौंजी लिया है जिसको ओनियन सीड बोलते हैं। ये जो है हमारे बाल को सफ़ेद होना और स्काल्प के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। कलौंजी जो होता है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और फिर थोड़ा सा ऑयल डालकर इसको मिक्सी में पीस लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा बारीक पीस नहीं करना, हल्का दरदरा करना है। फिर मैंने थोड़े से कड़ी पत्ते लिए हैं और ये मैंने जासवंत के पत्ते, जिसको कि अड़हुल या हिबिस्कस बोलते हैं, उसके लीफ लिए हैं। ये जो है हमारे बाल को ये कंडीशनर का काम करेगा और जो कड़ी पत्ता है वो हमारे बाल को काला करता है और उसके ग्रोथ को बहुत बढ़ाता है। उसके बाद में हम कोकोनट ऑयल ले रहे हैं। आप चाहे तो कोई भी ऑयल ले सकते हैं, या तो बादाम का तेल या ऑलिव ऑयल, जो भी आप चाहें वो ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ कोकोनट ऑयल में बना रही हूँ। ये कोकोनट ऑयल को और सारे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे गैस पर चढ़ा देंगे। गैस पे हल्की मीडियम एकदम स्लो फ्लेम में इसको पकाना है। उसके बाद थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाला है मैंने। जो मस्टर्ड ऑयल होता है वो बालों के लिए बहुत जैसे सेहत के लिए अच्छा होता है, वैसे बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ये बाल को बहुत जल्दी ग्रो करता है और लंबा करता है। ये देखिए इसमें झाग निकलने लगा है, इसका मतलब अब हमारा ऑयल जो है वो बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए इसको हमें पकाना नहीं है, इसमें मुझे 20 मिनट लगे हैं। 20 मिनट में ही ये देखिए बिल्कुल झागदार और ऐसा कलर हो गया है। जब ये ठंडा हो जाएगा, आप ऑयल में 7 से 8 घंटे रहने दें, ये ठंडा हो जाएगा, फिर हम इसको अच्छे से कपड़े से छान लेंगे। छानने के बाद हम इसको कंटेनर में अच्छे से कंटेन रख सकते हैं। ये 1 महीने से 1.5 महीने तक आप इसको यूज कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। मैं थोड़ा 1-1 महीने के लिए बनाती हूँ ताकि वो हर महीने चले और ख़त्म हो जाए, फिर से फ्रेश बना के यूज़ करें। और जो ये ओनियन है रोहले, इसकी बेनिफिट्स तो बोलने ही, मतलब
इतना ज़्यादा है कि आप इसके लिए कोई शब्द ही नहीं है हमारे पास। ये हमारे बाल को बढ़ाता है, गंजेपन को दूर करता है, पतले बालों को मोटा करता है, सफ़ेद होने जैसी समस्याओं को दूर करता है, हेयर फॉल को भी रोकता है, 100% रोकता है। इसमें मैंने 2 विटामिन ई की कैप्सूल की डाली है और 2 बूंद मैंने टी ट्री ऑयल डाला है जो लेवेंडर फ्लेवर में है। इससे थोड़ी सी इसकी खुशबू जो है वो अच्छी हो जाती है, जो आपको लगाने में अच्छा लगेगा। इसके बाद इसको एक कांच के बॉटल में आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। ये 1 महीने तक बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। अब हम एक स्प्रे बॉटल में लेंगे। स्प्रे बॉटल में लेने से क्या होता है कि आपको लगाने में बहुत ईजी होता है, आप आराम से इसको लगा सकते हैं। या फिर आप कॉटन में भिगो के इस ऑयल को अपने स्काल्प पे लगाइए और स्काल्प पे 10 मिनट तक मसाज कीजिए। ये देखिए हमारा ओनियन ऑयल बनकर। आप इसको रात भर लगा के रख सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल विद संगीता। आज हम बना रहे हैं आम का अचार। आम का अचार जिसका नाम लेते हैं मुँह में पानी आ जाता है। और कोई भी सब्जी या चावल रोटी कुछ भी अच्छा ना बना हो उसके साथ थोड़ा सा अचार मिला दीजिए और आपका खाना जो है वो बहुत ही टेस्टी बन जाता है। इसलिए अचार जो है हमारे खाने का बहुत स्पेशल इंग्रेडिएंट है। अगर हम इसको अच्छे से बनाएं तो ये सालों तक चलता है। इसके लिए मैंने आम कटे हुए मार्केट से लाए हैं जिसको मैं धो रही हूँ। धो के इसके छिलके, गुठलियों में थोड़े से छिलके लगे होते हैं, उसको निकाल रही हूँ। अगर धोते वक्त वो निकल जाए तो अच्छा है, अगर नहीं निकल पाता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छे से धोना है बस, ताकि जितने भी गंदगी हो वो निकल जाए। अगर आप खुद से काट रहे हैं और खुद से ही कर रहे हैं तो आपको पहले ही आप धो के कर सकते हैं, बट मैं मार्केट से कटवा के लाई हूँ इसलिए इसको अच्छे से धोना ज़रूरी है। और उसे गुठलियों को भी निकाल लेंगे अचार में। इनकी गुठलियों जो छोटे छोटे वाइट वाइट लगे होते हैं उसको निकाल देना होता है। ये देखिए अच्छे से हमने आम को धो लिया है। धोने के बाद जो है वो आम को हम फिर धूप में अच्छे से सुखाएंगे 2 से 3 घंटे के लिए। मैंने सूखने डाल दिया है। सूखने के बाद जो है वो हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल विद संगीता। आज हम बना रहे हैं कढ़ी। कढ़ी के लिए मैंने यहाँ पे बाउल लिया, उसमें 5 चम्मच बेसन लेंगे, 1 हल्दी डालेंगे, मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। इसमें मैंने धनिया, मिर्ची और हल्दी सब 1-1 चम्मच डाला है। अब हम इसमें छाछ डालेंगे, इसको डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे तब तक जब तक इसमें कोई लम्स ना रहे। ये देखिए बैटर हम इसका हमको इसका बनाना है। मैंने लगभग 250 ml छाछ डाला है। इसमें पानी डालेंगे, इसमें थोड़ा सा और पानी लगेगा, 1 चम्मच सब्जी मसाला। सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपके पास सब्जी मसाला नहीं है तो आप सांभर मसाला भी डाल सकते हैं। देखिए मैंने एक पैन लिया है, इसमें हम 2 चम्मच घी डालेंगे, 1 थोड़ा सा जीरा डालेंगे, 1 थोड़ा सा मेथी, इसमें कड़ी पत्ता मैंने डाला है, हरी मिर्च, अदरक बारीक कटा हुआ, मैंने एक बारीक कटा हुआ प्याज डाला है। अब हम इन सबको अच्छे से भूनेंगे। प्याज को बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा पिंक जैसा ही करना है, इससे कढ़ी का टेस्ट अच्छा आएगा। अब हम इसमें बेसन का जो मैंने घोल तैयार किया था वो डालेंगे। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और इसको अच्छे से बॉईल आने तक पकाएंगे। ये देखिए हमारे कढ़ी में बॉईल आ गया है। अभी हमको इसको और भी पकाना है। कढ़ी को जितना ज़्यादा पकाते हैं उतना अच्छा टेस्ट आता है। जब तक बेसन अच्छे से पक ना जाए तब तक इसको पकाना है।
इसमें आधा घंटा तो लग ही जाता है। अगर आप टाइम देंगे तो आपका कढ़ी बहुत अच्छा बनेगा। ये पकौड़े बनाने के लिए बेसन लेंगे। मैंने यहाँ 100 ग्राम के लगभग बेसन लिया है। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, हल्दी, जीरा, लाल मिर्च पाउडर, इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और एक बैटर तैयार करेंगे। बिल्कुल ठीक होना चाहिए और उसको अच्छे से फेटेंगे। अब हम इसमें पकौड़े वाला बैटर डालेंगे और पकौड़े तलेंगे। आप चाहे तो हाथ से भी गिरा सकते हैं या स्पून से भी, ऐसे छोटे छोटे डालें, खुद ही फूल के बड़ा हो जाएगा। ये देखिए मैंने छोटे छोटे पकौड़े तल लिए हैं। अब ऐसे ही हम सारे पकौड़े तल लेंगे। ये देखिए हमारा कढ़ी बनकर तैयार है। मैंने आपको बताया था कि ये भी बहुत तरह से अलग अलग तरह से कढ़ी बनाई जाती है, तो आपके यहाँ कैसे कढ़ी बनती है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके यहाँ कैसी कढ़ी बनती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। इसमें पकौड़े डालेंगे। ये देखिए मैंने पकौड़े सारे तल लिए थे और ये ठंडे भी हो गए हैं, अब इसमें डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए हमारा कढ़ी बनकर तैयार है। अब हम इसमें धनिया पत्ता डालेंगे और इसमें कढ़ी में तड़का डालेंगे। ये तड़का के लिए थोड़ा सा ऑयल लेंगे, जीरा डालेंगे, लाल मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा हींग और ये हरी मिर्च और थोड़ा सा लाल मिर्च। अब हम इसका तड़का डालेंगे। ये देखिए हमारा कढ़ी बनकर तैयार है। आप भी ऐसे स्टेप को फॉलो करें, आपको आपकी भी कढ़ी इतनी टेस्टी और यम्मी बनेगी। Thank you.
देख रहे हैं लाइफस्टाइल विद संगीता। आज हम बना रहे हैं पनीर चिली। इसके लिए मैंने एक बाउल लिया, उसमें 2 चम्मच मैदा लेंगे, 2 चम्मच कॉर्न स्टार्च, 1/4 स्पून ब्लैक पेपर डालेंगे और सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसका एक स्मूथ बैटर बनाएंगे, ना थिक ना एकदम लिक्विड है। देखिए ऐसा बैटर हमें बनाना है। पनीर चिली सभी को पसंद आता है, एक बार इस तरह से बना के देखें। यहां मैंने पनीर लिया है, इसको बड़े बड़े क्यूब्स में काट लिए हैं। अब ये कॉर्न स्टार्च डाल देंगे, कॉर्न स्टार्च डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर मैदे में इसको फ्राई करेंगे। कॉर्न स्टार्च हमने इसलिए डाला है कि ये अच्छे से कोट हो जाएगा, फिर जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये बहुत क्रिस्पी बनेगा। इस स्टेप को आप फॉलो करेंगे तो आपका चिली पनीर कभी भी खराब नहीं होगा, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में बनेगा। ये देखिए कढ़ाई में तेल गर्म हो गया है, अब पनीर जो कॉर्न स्टार्च में ये कोट किया हुआ था, अब इसको ये डिप में डाल के फ्राई करेंगे। मैंने पनीर के बड़े बड़े क्यूब्स लिए हैं। ये देखिए पनीर बिल्कुल फ्राई हो चुका है और कितना क्रिस्प बना है। ये देखिए मैंने ऑयल लिया है, बारीक कटा हुआ लहसुन लेंगे और उसको अच्छे से सौते करेंगे। 2 हरी मिर्च डालेंगे। ये देखिए मैंने रेड चिली और जिंजर का पेस्ट बना लिया है, अगर आप चाहें तो आप कश्मीरी लाल मिर्च को ऐसे डायरेक्ट डाल सकते हैं। ये देखिए मिर्च को मैंने गर्म पानी में भिगो के रखा था और उसके बाद अदरक डाल के मैंने इसको पीस लिया है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, कश्मीरी मिर्च ज्यादा तीखा भी नहीं होता। तो हमें तब तक भूनना है जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए। ये देखिए ऐसे डाइस में कटा हुआ ओनियन, कैप्सिकम, ये सबको डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें इसको बहुत नहीं पकाना है, बस इसको हल्का सा मसाले में कोट करना है ताकि इसका क्रंचीपन। ये अब डालेंगे 1 चम्मच सोया सॉस। ये देखिए थोड़ा सा मैंने ग्रीन चिली पेस्ट डाला है, अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा टोमेटो केचप डालेंगे, हल्का सा, या फिर इसकी जगह आप शक्कर भी डाल सकते हैं थोड़ा सा। थोड़ा सा पानी डालेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, ये तो पकाने में बहुत टाइम लगेगा और सब्जी का जो क्रंच है वो एकदम सॉगी टाइप हो जाएगा। 1 चम्मच मैंने कॉर्नस्टार्च लिया है, उसको पानी में मिक्स करके अब इसमें धीरे धीरे डालेंगे जिसे बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल गाढ़ा हो गया है जैसा हमें चाहिए। सॉल्ट डालेंगे टेस्ट के अनुसार, आप चाहे तो अजीनोमोटो भी डाल सकते हैं, बट नमक ज्यादा अच्छा रहता है। सोया सॉस में भी नमक होता है इसलिए थोड़ा सा ध्यान से डालें। ये देखिए इसका ग्रेवी भी बिल्कुल थिक हो गया है। अब हम ये पनीर जो मैंने फ्राई करके रखा था, देखिए कितना क्रिस्प बना है, इसको हम डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि अच्छे से सारे जो ग्रेवी है वो पनीर के ऊपर कोट हो जाए। ये देखिए हमें पनीर को कुक नहीं करना है, बस हल्का सा टॉस करना है। इसलिए देखिए हमारा पनीर चिली बनकर तैयार है। अब हम ग्रीन ओनियन से इसको गार्निश करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए कि हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए ला पाएं।